मेरा नाम अनिल शैरी है। सैकड़ों साल पहले कबीरदास जी ने एक दोहा कहा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। सही मायनों में कबीरदास जी ने सैकड़ों साल पहले इस दोहे के माध्यम से हम सभी को बातचीत की कला से रूबरू करवाया था। बातचीत की कला के तीन चरण होते हैं। पहला, सुनना, धैर्य पूर्वक सुनना। दूसरा चरण है सोचना। तीसरा चरण है बोलना। तो जब भी कभी कोई कुछ बोल रहा है तो हमें उसको बीच में नहीं टोकना चाहिए, बल्कि ध्यान पूर्वक धैर्य से उसकी बात को सुनना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, अक्सर क्या होता है, कहीं कोई कुछ बोल रहा होता है और हम बीच में ही उसको रोक देते हैं और हमें लगता है अरे इससे अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ, और बीच में हम बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से बातचीत में खलल उत्पन्न होता है और रिश्तों में खटास आती है। इसीलिए जब भी कोई इंसान कुछ कह रहा है, पहले उसकी बात को ध्यान से सुनिए, सोचिए, फिर उस पर प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं तो क्या होता है, मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। अब क्या होता है, कई परिवारों में, रिश्तों में क्यों मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ उस परिवार में कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता। हर किसी को लगता है अरे दूसरा मेरी सुने। पर भाई कभी ये भी तो सोच लो कि मैं भी किस किसी की सुन लूँ। और जब आप ऐसा करने लगेंगे, सामने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुनने लगेंगे और फिर सोचकर उस पर प्रतिक्रिया देंगे, तो रिश्तों में कभी भी मतभेद उत्पन्न नहीं होंगे, आपका किसी से झगड़ा नहीं होगा, किसी भी तरह की बहस उत्पन्न नहीं होगी। और मान लो कभी आपकी किसी से कोई मतभेद हो भी जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आवाज़ ऊंची करके ही आपको अपने गुस्से का इजहार करना, या अपशब्द कह के ही आप अपने गुस्से को जता सकते हैं। कड़े शब्दों में बहुत आराम से भी आप अपने गुस्से को जाहिर कर सकते हैं। और जब भी आप ऐसा करेंगे तो मैं दावा करता हूँ आपके रिश्तों में मधुरता हमेशा बनी रहेगी, कभी भी आपके रिश्ते टूटेंगे नहीं। यही होती है बातचीत की कला। बस इतना कहना था दोस्तों, गुड बाय।